आज से कुछ दिन पहले दोस्तों मैं फ़ोन देख रहा था, कोई एंड्रॉयड हो या iOS हो, जो अपना बजट था 25,000 के आसपास। तो मैंने काफ़ी सारे मोबाइल्स देखे, रियलमी के भी, मतलब हर कंपनी के देखे, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो उसके बाद भाई हमने सैमसंग के भी देखे, तो मतलब काफ़ी फ़ोन देखे और ऑफ़र भी आ रखे थे यार। तो लगभग मैंने सभी कंपनी के सर्च करके देखे। तो उसके बाद आते हैं कंक्लूजन में, तो हमने क्या ऑर्डर अपने किया। पास आ गया भाई ये फ़ोन Realme 11 Pro, जो कि भाई अपन ने मिला है। इसमें 120 Hz डिस्प्ले, 5 GB है भाई, 100 MP का है, रिचार्जिंग का देख ले 5000 mAh की बैटरी है। या इसमें थोड़ी और दे रखी जो भी है इसकी डिटेल्स, तो 11 Pro देखते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग करके कैसा कुछ फ़ोन मिलता है। तो जो कि भाई अपन ने खोल दिया डिब्बा और ये सब फिर देखेंगे। इसका अपना कोई काम नहीं, मेन काम है अपना फ़ोन का। ये चार्जर वार्जर आ रखे हैं, ले भाई अपन यू खोल दिया है फ़ोन। इसका भी कोई काम नहीं, इसमें ये क्या मिलता देख लियो एक बार। पहले इसने बार देख लेते हैं, जो कि हमें मिलता है कवर। चलो कवर निकाल लेते हैं, इनका भी कोई काम नहीं है, इनको कर देते साइड में। और यू मिला भाई अपन एक चार्जर जो कि है 80 वोट का, ठीक है। और अपन इसमें मिला है भाई टाइप सी है ना, हाँ टाइप सी केबल है देखो। चलो इसका भी हमने कोई मतलब नहीं, मेन बात है अपने फ़ोन की। तो दोस्तों ये देख लो भाई फ़ोन, भाई ये फ़ोन देख लो। वैसे तो अपन ने पहला खोल दिया था ये लिया, जब पाछ ये लैदर हादे रखे है। मतलब मेन तो यार इसकी स्क्रीन है और ये पीछे भी मैंने तो पहली बार देखा है इतना। भाई ये देख लो कितनी सेकंड लगा हुआ ओपन होने में, ओपन को स्टार्ट होने में। मतलब पीछे तो फ़ोन काफ़ी मतलब प्रीमियम लगा है, रियलमी है। और यह देख लो चैन सी दे रखी है, मतलब पाछा तो दोस्त सही है भाई। कैमरा सेटअप भी ठीक है, 100 MP का इसमें कैमरा मिला है और स्लिम सेट है। वजन भी यार इतना को नहीं लगता इसमें, वजन तो शायद मैंने जहाँ तक लगा 180 ग्राम है प्लस है। ये हो गया भाई अपना फ़ोन स्टार्ट। तो अपन भाई पहला फ़ोन स्टार्ट करके देख लिया था, तो जब आप शॉप पता ले आए थे वैसे तो भाई आप तो दिखा दे क्या क्या मिला। मैंने तो आप तो दिखाई दिया भाई, मैं मिला है कवर, मिला है गार्ड भाई, इस कंपनी में तो मत लग गया आवा है। तो बाकी चला कर देखेंगे ना। वाईफाई तब यार मैंने कनेक्ट कर लिया था, बाकी ठीक है यार फ़ोन मेरे को ठीक लग रहा है। क्या देखे और इसका, हाँ और इसकी बात करा भाई कैमरे की, कैमरे की मेन बात कैमरे की है, कैमरे की देख लेते हैं। तो भाई यार देख लो भाई, मैंने ऐप्स भी लगा दी थी। कैमरे की देख लो भाई, फ्रंट कैमरे का देख लो। बाकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा इसकी कैसी क्या है। बाकी दिन की तो ठीक हो है सब की, रात की देख लेंगे। और इसकी भाई गेमिंग पर अलग से वीडियो आओगी, गेमिंग का क्या कुछ रहूगा। बाकी इसमें जो प्रोसेसर दे रखे हैं, जो कि भाई ये फ़ोन है यू भाई लॉन्च हो रहा है अपना 10 महीने, और सुपर एनमोलेड स्क्रीन है भाई इसकी, जो कि काफ़ी मेरे को तो ठीक लग रही है। बाकी यूट्यूब वगैरह वीडियोस चला के देख लेंगे एक बार। अरे यू है 2 सिंगल हैं भाई इसमें, और भाई इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हुए हैं, 100 MP का है रिकॉर्डिंग, तो ले 4K करेगा ही। मतलब और जो भी फंक्शन है यार हम ना उन तक कोई मतलब नहीं। चलो फंक्शन का मतलब तो है, खैर छोड़ो, हम तो मेन बात है अपना देसी यूज़, मतलब देसी क्या, हमने इतना चला के देखना हमारा काम के साथ का डगा चला हुआ यू। तो पहले यूट्यूब पर वीडियो चला के देख लेते हैं। ये रही भाई इसकी यूट्यूब, हम कोई भी गाना चला के देख लेंगे, वैसे तो कॉपीराइट आएगा बट हम आवाज़ कम कर देंगे। तो ये यार एड्स आ रखी है, बाकी इसकी स्क्रीन देख लो काफ़ी अच्छी है ये भी। शाबाश, चल भाई इसकी इसमें जाके, मतलब यार काफ़ी बड़ी स्क्रीन है यार, मतलब थोड़ा एक हाथ हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है, बट कोई चक्कर नहीं। हाँ ये देखो भाई,
मतलब ठीक है यार। चलो भाई यूट्यूब भी हो गया, कैमरे की हफ्ता वीडियो दिखा देंगे, ई है मेन काम अपना गेम का। तो आईडी एक बार इसमें साइन इन कर लेते हैं, और गेमिंग परफॉर्मेंस देखनी बहुत ज़रूरी है। कैमरे और गेमिंग दो ही चीज़ देखो। बैटरी भाई 5000 mAh की है, तो यू 8 पोर्ट का चार्जर है, तो यार लगभग आधे पौने घंटे में चार्जिंग तो हो जाओगी। स्क्रीन दे फोन देखो कितना बड़ा हाथ में, मतलब एक हफ्ता यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, बट हाँ है हो भी जाओ भाई जिसके बड़े हाथ है जो कर लाइक मी। चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार डाउनलोड कर लगे दोस्तों। इसमें यार मोड भी दे रखे हैं, जैसे कि मैंने गेम चलाया तो अभी पता चला, प्रो मोड, यू हैव बैलेंस मोड और लो पावर मोड। तो आप चलाओगे प्रो में क्योंकि आप गेम चलाओगे, तो देखते हैं इसमें चला कर। और यहाँ काफ़ी चीज़ मिल जाती हैं इसके साथ भी, तो देखते हैं एक बार। यू भाई जैसे कि स्क्रीन में ये साइड में दी रखे है, इसमें साइड में आओ, जैसे ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हो भाई, इसने इस साइड करो और चला दो। चलो भाई डाउनलोड होने लग रहा है, यू देखते हैं, यू 1 GB डाउनलोड होना है। तो यार अपने वाईफाई की स्पीड थोड़ी कम है तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो चलो कोई नहीं। स्क्रीन देखो कर्व स्क्रीन, ओ जब बस आप अभी इसके बाट में है। तो गेम चला दिया अपन ने भाई, और देखते हैं कैसा क्या कर रहे होगी परफॉर्मेंस। मेन बात तो ये देखना यार, गर्म नहीं होना चाहिए फ़ोन। बाकी प्रोसेसर देख के मेरे को लग नहीं रहा फ़ोन गर्म होगा। तो यार एक आता अपना, जैसे पता है फ़ोन चल नहीं रहा तो कैमरा बंद करना पड़ेगा यार। उतर लिया नुए उतर गया यार फ़ोन के चक्कर में। तो दोस्तों अब आप यह वीडियो देख रहे हो, या भाई 4K वीडियो है रियलमी वाले की फ़ोन की, यू अपने आईफोन की देख लो, और डिब्बे वगैरह की, मतलब यार नॉर्मल लाइट की है। आप इस तरह आइडिया लगा लो यार, मतलब यार पॉइंट पर फोकस तो करा है ये लाइट में। बाकी रात के फोटो भी दिखाऊंगे आपसे, रात की वीडियो बनाऊंगे। देखो दिन में तो लगभग फ़ोन सारे भाई ठीक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कैमरा वाइज ठीक ही होते हैं, बट आप रात में देखेंगे कुछ अलग करते हैं। तो चलते हैं एक बार दिखाता हूँ आपको। कैमरा टेस्ट करने से पहले बात बोल देता हूँ, मतलब काफ़ी फंक्शंस दे रखे हैं इसमें यार, जो कैमरा के हैं नाइट वगैरह, तो एक बार दिखा देता हूँ। उसे कम आजा बेला, अब भाई खाना खा, कोई ना अभी फोटोज दिखा देता हूँ मैं इनके एक बार आपको। तीसरी और आ चुकी है भाई अपनी ये। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने सबसे इसमें यूनिक लगी, जो कि इसकी है भाई फ्रंट कैमरे में भी लाइक फ्लैश है, जो कि अपनी स्क्रीन वाइट हो जाए, बीच में एक सर्कल आ जाए, तो क्वालिटी देख सकते हो। मेरे को तो ठीक लगी यार चीज़ भी यार, मतलब बहुत कम मन तो देखे को नहीं। खैर मैं आईफोन ज़्यादातर आईफोन ही यूज़ करता हूँ, तो ये हमारा अपने सिस्टर खैतर लिया मंगवाया था यार मैंने, तो क्वालिटी आप देख सको। उसने भाई एंड्रॉयड पसंद है, चलो एंड्रॉयड। तो अपना यार इतना ही बजट था, तो उस हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, देख सकते हो आप। बाकी आप फोटोज़ दिखा देता हूँ मैं, मैंने किचन यार वहाँ एक बार फ्रंट वीडियो नहीं दिखाई यार मैंने, ये भी इम्पोर्टेंट है यार काफ़ी। बाकी साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह आप देख ही सकते हो जो रखी है, और यह भाई अपने साथ ही। दोस्तों ये देख लो भाई रात की क्वालिटी 4K रिकॉर्डिंग में, यह अपनी बाइक है, मतलब क्लियरिटी देख लो। और एज अ ब्लॉगिंग देखें हम, ये देख लो एज अ, मेरे को तो पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ मैं, बट हाँ यूज़ करके देखते हैं एक बार कैसा क्या है। और आप ना भाई फ़ोटोज़ भी दिखा देते हैं हम कैसे कुछ हैं, और आपको हम अपनी पहला दारा, मतलब काफ़ी ठीक लग रही है मेरे को तेरी को, मतलब इस रेंज के मोबाइल के हिसाब से। सॉरी यार, चलो एक बार कैमरा और टेस्ट करा देते हैं हम, इनके फ़ोटोज़ खींच देते हैं। तो दोस्तों देखा, मतलब यार भाई हिल रहा है, एक बार लूँ तो मतलब फ़ोटो ठीक है यार, ऐसी बात नहीं कि हम ये प्रेफरेंस कर सकते, कैमरा वाइज ठीक है, बट एज़ कंपेयर हम एप्पल या कोई और उससे करें तो देखो एप्पल तो एप्पल है। खैर सैमसंग के भी यार ठीक है लगभग, ये देख लो भाई रात का
इसमें 10x तक भाई जूम हो सकता है। मेन बात करेंगे अपना आखिर में कंक्लूजन क्या रहेगा, हमें 24-25 हज़ार रुपये की रेंज में ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देख लो ये हमारे बच्चे, ये मेरे फेवरेट और ये इससे ज़्यादा फेवरेट। ये देखो जैसे मैं चलूँगा ना मेरे साथ वैसे ही चलेगी। चलो कोई नहीं, मेन काम अपना फ़ोन का रिव्यू देना, क्योंकि रिव्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यार 25-26 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो आपको भी बताना बनता कि क्या कुछ है इस फ़ोन में। चलो एकदम अपने और फोटोज़ लेके देख लेता हूँ कैसे क्या रहेगी। तो दोस्तों मना भाई काफ़ी घंटे हो गए फ़ोन ना यूज़ कराना, मेरे को तो देखो ठीक लग गया, बाकी सबकी भाई अपने अपने पसंद है। और 25 हज़ार के हिसाब से जो मैं अपना बजट लेकर चल रहा था, मतलब भाई कैमरा भी 100 मेगापिक्सल का है और बैटरी भी वही फास्ट चार्जर भी हो गया 80 वॉट का, तो मेरे को यार ठीक लगा। 256 GB है और 8 GB रैम भी होगी, और थोड़े यूनिक डिज़ाइन में पीछे लेदर टाइप दे रखा है। मतलब स्क्रीन का भी भाई काफ़ी मतलब वो है, कर्व डिस्प्ले है ना, तो भाई मेरे को तो ठीक लगा। बाकी सब की भाई अपने अपने प्रेफरेंस हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही एक और अच्छी वीडियो के साथ।